महेंद्रगढ़ में कोरोना का एक और केस सामने आया है और आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि नागरिक अस्पताल का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, आप देखें कि महेंद्रगढ़ भी जो है वो ग्रीन जोन में है। और इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ भी संक्रमित मामले पहले नहीं थे, लेकिन अब देखिए कि 4-5 दिनों के अंदर यहाँ पर संक्रमित मामले भी सामने आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में कोरोना का एक और केस सामने आया है और जिले में कोरोना की संख्या 6 हो चुकी है, कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। नागरिक अस्पताल का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला। आप देखिए किस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी है या फिर अस्पतालों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो ये एक और चिंता का विषय माना जाए और चिंता मानी जाए, क्योंकि देखिए कि स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। और अब देखिए नागरिक अस्पताल का कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित मिला है और महेंद्रगढ़ में कोरोना का एक और केस सामने आया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, महेंद्रगढ़ में कोरोना का एक और केस सामने आया है। आप देखिए कि महेंद्रगढ़ पहले ग्रीन जोन में था, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, और अब आप देखें कि यहां से भी संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जाने, क्या कुछ कारण है इस बढ़ते संक्रमण का? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ पहले ग्रीन जोन में था, लेकिन अभी लगातार यहाँ पर जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जो अभी जो कोरोना पॉजिटिव जो सामने आया है, ये बता दूं कि जो मोहल्ला माहीचंद में था वहीं का निवासी है और महेंद्रगढ़ के जो स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी अस्पताल वहां पर ये कर्मचारी है, तो आज जब रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव पाई गई है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग उसमें भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो कर्मचारी वो लगातार जैसे कि अस्पताल में आकर अपने ड्यूटी कर रहा था, तो ये भी माना जा रहा है कि वहां पर जो कर्मचारी अन्य कर्मचारी उनके संपर्क में आया होगा तो उनके भी सैंपलिंग की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अभी थोड़ी देर में अस्पताल में पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार महेंद्रगढ़ में ये मामले बढ़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बता रहे हैं आपको प्रदेश की स्थिति के किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।